वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो मेरे वालों, और बेल आइकन को प्रेस करो। हाँ पता है रेगुलरिटी थोड़ी ख़त्म हो रही है चैनल की, रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। एंड इंस्टाग्राम में वगैरह बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है पूछ भी रहे, कुछ तो डर जाते हैं भाई, कुछ खांड वांड हो तो नहीं गया चैनल के साथ, क्योंकि ऐसा सीन हुआ है बहुत बार। तो रेगुलरिटी की मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, और ट्राई करेंगे कि आने वाले 10-11-12 दिन के बाद से मतलब रेगुलर वीडियोस डाले। तो कल एनिमल का प्री टीज़र आया, प्री टीज़र यानी कि टीज़र का डेट बताया, इवन ये बाहुबली के लिए भी आया था। तो प्री टीज़र का क्या होता है कि वो डेट बताता है कि टीज़र एक्चुअल टीज़र कब आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट टीज़र ही आनी चाहिए थे। ये प्री टीज़र, ये मिनी टीज़र, ये मल्टी टीज़र, ये अडेप्टर टीज़र, चार्जर टीज़र, ये सब करेंगे तो इसमें क्या होता है, व्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है और पब्लिक का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत बार उनको वो मटेरियल देखने को मिल जाता है। लेकिन चलो वो सब चीज़ वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हो सकता है उसको साइड कर दे, पर वो प्री टीज़र ना भाई, मतलब क्या था यार। मतलब होता है ना कुछ कुछ फिल्मों का टीज़र ट्रेलर कि मतलब देखकर इंसान के दिल से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है कि मतलब ऐसा क्या था यार, मतलब क्या था वो। उस एक टीज़र के अंदर, एक प्री टीज़र, वो भी टीज़र नहीं है, वो मिनी टीज़र ही बोल सकते हैं उसको, जो टीज़र का डेट बताते हुए, तो उस ज़्यादा आई गेस 22 समथिंग का है, तो उतने देर के अंदर वो 20-22 जितने भी सेकंड्स के, उसके अंदर ना भाई कुछ फिल्मों का पूरा स्क्रीन प्ले खा गया वो बंदा। स्क्रीन प्ले ये लोग जो है वॉयलेंस दिखाते हैं, वॉयलेंस दिखाकर वो अलग लेवल का होता है, जैसे कि अपन विक्रम मूवी में देखा होगा कि वो अलग लेवल का लगता है, वो एक स्टैंडर्ड एक बार सेट कर देता है, क्योंकि वॉयलेंस दिखाना, वो राम गोपाल वर्मा भी वॉयलेंस दिखाता था, तो वॉयलेंस दिखाना सबका मतलब एक आर्ट होता है, वो आर्ट को मतलब फैमिली एक्सेप्ट करे, फैमिली ऑडियंस एक्सेप्ट करे, एंटरटेनमेंट फैक्टर में उसको एक्सेप्ट करे, एक्शन जॉनर में उसको एक्सेप्ट करे, वो सब चीज़ें एक डायरेक्टर करता है। एंड भाई इस प्री टीज़र में ना सबसे मतलब ख़तरनाक इसका मतलब वे ऑफ एग्जीक्यूशन, वो शोकेस जो करते हैं ना, दिखाते कैसे भाई परफेक्ट, वो मास्क पहन के आना, उसके बाद शट भाई कैमरा एंगल्स जो शट करो भाई, एकदम गजब मतलब गजब मतलब फाड़ दिया दम, बवाल कर दिया दम। सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं आज ये अभी टीज़र देखने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा था गडर एक प्रेम कथा, चलो वो तो रजनीकांत सर की जो मूवी है वो तो चलो साउथ के बेल्ट पे वो ज़्यादा हैवी करेगी, एंड नॉर्थ साइड में स्क्रीन्स का थोड़ा सा होगा जेलर का। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मूवी जो है ना ये, और जो तीसरी है वो तो जाएगी, वो तो रिलीज़ नहीं होने वाली वहाँ पे, वो छोड़ दो, वो तो रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन ये जो मूवी है ना भाई एनिमल, ये ही रहेगी हाइएस्ट ग्रॉसर अमॉन्ग ऑल द फिल्म्स, इंक्लूडिंग जितने भी फिल्म्स वहाँ रिलीज़ हो, चाहे वो तमिल हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, इंग्लिश हो, वो जगह पे वो जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो हफ्ते में जितने भी फिल्म्स रिलीज़ हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म एनिमल बनेगी भाई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 10-20 सेकंड्स का जो ये है ना प्रोमो, वो देख कर समझ आएगा मेरे को। फाड़ू आतंक, मतलब एकदम गूज़बम्प्स। सिर्फ 20 सेकंड्स में देखो ना कैमरा एंगल कितने टर्न्स हो रहे हैं, और उसमें रणबीर कपूर का फुल लुक भी नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ भाई वो बंदे ने ऐसा करके देखा हुआ। संदीप वेंगा रेड्डी अगर कोई एक्टर सुपरस्टार को कास्ट करता है अपनी मूवी में, दैट्स इट ब्रो। वो वैसे 4-5 फिल्म अगर वो कर देगा ना बंदा, वो पूरा भारत का सबसे बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा। मतलब एक एक्टर सुपरस्टार, उसके पास सुपरस्टार का भी बज़ होना चाहिए, फ़ैन फॉलोइंग होना चाहिए, मतलब क्रेज़ होनी चाहिए, प्लस एक्टर, ही शुड बी एन एक्टर, क्योंकि मोस्टली भारत के जितने भी सुपरस्टार्स है 60% उसमें ऐसे जिनको एक्टिंग नहीं आती है, वो दैट इज़ फैक्ट। बाकी 40% ऐसे है जो भाई अगर कोई डायरेक्टर अगर सही उठाकर मस्त डायरेक्शन दे देगा, ख़त्म कर देगा। तो संदीप वेंगा रेड्डी और शाहरुख खान के ऊपर एक टॉपिक मैंने प्लान, ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि विच डायरेक्टर SRK शुड वर्क नेक्स्ट,
मेरा टॉप फेवरेट लोकेश कनगराज हमेशा से था। लोकेश कनगराज वो मॉन्स्टर डायरेक्टर है भाई, वो छोड़ दो। उसके बाद मैं, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। तो एनिमल का टीज़र ज़बरदस्त, फाड़ू एक नंबर, 5 on 5, 5 on 5। ये प्री टीज़र है, जब टीज़र आएगी तो भाई वो तो अलग ही आतंक मचा देगी। तो वीडियो सही लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो सब।